जय मसीह की सिस्टर। क्या नाम है आपका? सोहन है सिस्टर। कहाँ से आए हैं आप? करोना गांव से हैं सिस्टर। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? सिस्टर मेरे लड़के की गवाही है। आपके बेटे के लिए गवाही है? आपके बेटे हैं? मेरे बेटे को खाना खाता था ना, उसे खाना नहीं खाया जाता था। ये खाना खाते थे तो खाना नहीं पचता था? हाँ पचता नहीं था, अरे खाया भी नहीं जाता था, इससे खाना नहीं खाया जाता था। हाँ कब से? ये एक डेढ़ साल की बात है। एक डेढ़ साल हो चुका है। हाँ क्या होता था जब ये खाना खाते थे? खाना खाते तो इससे जलन बनती थी, पेट में जलन होती, पेट में कर्जे में जैसे जलन बन जाती थी। फिर ये कहते मैं मम्मी मेरे से नहीं खा रहा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, छोड़ जाते थे खाने को। फिर जब फिर आते फिर नहीं खाया जाता, मतलब ये खाना खाते ही वॉशरूम चले जाते थे। हाँ या पेट में जलन होने लगती थी। हाँ तो क्या करते थे उस टाइम जब जलन होती थी? तो ये पानी पीते थे, बहुत ज्यादा पानी पीते, यानी कि पानी पीते थे मरीज जलन आराम मिले, नहीं फिर और पानी पीते। मतलब ये उस इतनी जलन होती थी कि ये पानी पीते रहते थे कि ताकि वो जलन ठंडी हो जाए। हाँ सिस्टर। तो ऐसा किसी एक टाइम खाने के साथ होता था या तीनों टाइम ये खाना खाते थे? नहीं सिस्टर, कभी खाता था खाना तभी होता था। मतलब ये जब जब डेढ़ साल से खाना खा रहे हैं इनके पेट में जलन हो रही है और ये वॉशरूम जाते हैं खाना छोड़कर, मतलब आधा खाना खाते हैं इनको वॉशरूम जाना पड़ता है। हाँ सिस्टर ऐसा ही होता था। क्या हुआ फिर? सिस्टर यहाँ मेरे एक भाभी है, उसने यहाँ के बारे में बताया, हम यहाँ आने लगे तभी तो लड़का मतलब ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान देने लगे ना यहाँ पे, तो इसका डर ये बिल्कुल ठीक हो गए। परमेश्वर की महिमा करेंगे, जोर से महिमा करेंगे। जब ये यहाँ आने लगे इन्होंने प्रेयर रिसीव की, फायर प्रेयर। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या बदलाव है? अब सिस्टर ये अपने मुँह से बोलने लगा, मम्मी मेरे को बहुत जलन होती थी ना, अब मेरे को जलन नहीं होती, खाना अच्छे से खा, नहीं टॉयलेट जाता, टाइम से टॉयलेट जाता। अब कितने दिन हो गए इनको टाइम से खाना खाते हुए और जलन ना होते हुए और वॉशरूम ना जाते हुए? इसको महीना सारा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब एक महीने से अब इनको कोई जलन नहीं है, कोई पेट दर्द नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं जा रहा, कोई नहीं है। जोर से